श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से श्री श्रद्धेय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया वह उपाय जो शिव महापुराण से लिया गया है बताने वाली हूँ, जिसे करने के बाद यदि आप उस उपाय को करते हैं तो यह तो मेरा पक्का वादा है कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर कैसे बढ़ गई है। आपके घर में लक्ष्मी जी की कमी तो इस उपाय को करने के बाद हो ही नहीं सकती, ये प्रमाणित है, क्योंकि मैं जब खुद आजमाती हूँ तब मैं आप लोगों के सामने कोई उपाय शेयर करने लाती हूँ। घर में धन का आगमन ऐसे शुरू हो जाएगा जिसे लक्ष्मी जी की पूरी कृपा आप पर हो, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा हो। यानी किसी के पास यदि धन की बहुत कमी है, बहुत परेशानी में है, ऐसी दशा में किसी का भी मनोबल टूटने में देरी नहीं लगती। अभी 2 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से तो अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की, पूंजीपति व्यक्तियों की भी हालत खराब हो चुकी है। कोई काम धंधा ही नहीं रहा, कोई बेचारे नौकरी वालों की नौकरी छूट गई है या कम पैसे मिल रहे हैं, सब अधिकतर लोग बहुत परेशानी में चल रहे हैं। और यदि घर का कमाने वाला व्यक्ति हताश हो जाए, क्योंकि ऐसी दशा में मनोबल टूटने में टाइम नहीं लगता, देर नहीं लगती, तो परेशानियां और बढ़ जाती है। यदि यह समस्या आप में से किसी के साथ या आपके किसी परिचित के साथ है तो आप ये वीडियो अवश्य देखें। और जो गुरुजी ने अपनी कथा के द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय बताया है उसे मैं सहज शब्दों में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नारियल को कौन नहीं जानता, उसे श्रीफल भी कहा जाता है। जब हम नारियल लेके आते हैं बाज़ार से तो कभी हमने ध्यान नहीं दिया होगा, आप लोगों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जटा के पास जहाँ नारियल की जटा होती है वहाँ कुछ छिद्र होते हैं नारियल में। वहाँ कभी कभी नारियलों में, अधिकतर नारियल में 3 छेद होते हैं, तो जो 3 छेद वाले नारियल होते हैं उन्हें त्रिचक्षु नारियल कहा जाता है, क्योंकि ये 3 छिद्र वाले नारियल होते हैं। और जैसे शंकर जी के भी 3 नेत्र होते हैं ना, तो ये नारियल शंकर जी को पूर्ण समर्पित नारियल माना जाता है। पशुपतिनाथ के व्रत के लिए गुरु जी ने बताया ही था, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि जैसे अपन और व्रत करते हैं और कोई व्रत लेते हैं तो उसमें उद्यापन करना होता है। जब हमारे व्रत पूरे हो जाते हैं तो कोई कोई व्रत में पंडित जी माने पड़ते हैं, कोई कोई व्रत सुहागनी जी माँ के हम पूरा करते हैं, उद्यापन करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ ना हमें कोई सुहागनी जी माने की आवश्यकता होती है, ना कोई पंडित जी माने की आवश्यकता होती है। आप 5 सोमवार जब आपके पूरे हो जाते हैं, पशुपति व्रत के पूरे हो जाते हैं, तो आप 108 बिल पत्र के साथ साथ, यदि आपको बिल पत्र ना मिले तो आप 108 साबुत अक्षत के दाने ले सकते हैं या 108 मूंग के दाने ले सकते हैं, ये लेके साथ में नारियल और नारियल पे मोली लपेट के और 11 रुपये रख कर आप यदि शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो आपका उद्यापन मान लो हो गया, पशुपतिनाथ आपका पूरा व्रत आपका पूरा हो गया, आपको और कुछ नहीं करना। लेकिन कहते हैं जैसे जो पशुपतिनाथ व्रत में आप यदि नारियल चढ़ा रहे हों उसमें 3 छेद हों तो वो शंकर जी को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि शंकर जी भी त्रिनेत्रधारी हैं, वही नारियल भी त्रिचक्षु है, इसलिए ये नारियल का महत्व अलग होता है। और ये भी कहा जा, मैं आपसे पशुपति व्रत के बारे में चर्चा नहीं करने वाली हूँ, नारियल की चर्चा करने जा रहे हैं अपन। लेकिन सिर्फ एक शिवजी और नारियल में क्या समानता होती है, ये त्रिनेत्र वाली वह आपके साथ बता रही थी मैं। और अब ऐसे नारियल की बात करते हैं जिसमें 1 छेद होता है। भविष्य पुराण के अनुसार जिस नारियल में 1 छेद होता है, जटा में जिस जटा के पास 3 छेद बताए गए हैं वहाँ 1 छेद होता है, तो उसको एकाक्षु नारियल कहते हैं। और ये 10,000 नारियल में से 1 नारियल ऐसा निकलता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसका बहुत अधिक महत्व होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है।
इस एकाक्षु नारियल का ही प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बताया था कि जब शुक्रवार को प्रदोष पड़े, जिस बार शुक्रवार को प्रदोष पड़े आप एकाक्षु नारियल ले लें। यदि आपके पास एकाक्षु नारियल है तो आप एकाक्षु नारियल ले लें और एक बिलपत्री के साथ शुक्रवार के दिन जिस दिन प्रदोष भी हो उस दिन आप तिजोरी में रख दें। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में उस नारियल और बिलपत्री को लेके पूरे घर में घुमा दें और फिर उस नारियल को और बिलपत्री को लेके आपके शहर में, आपके गांव में, जहाँ भी जो भी गणेश जी का मंदिर हो वहाँ ले जाएं। वहाँ ले आके वह नारियल और बिलपत्र गणेश जी को समर्पित कर दें और वहाँ से जो गणेश जी को चढ़ी हुई दूबा है वो एक दूबा ले आएँ और वह लेके आ जाएं दूबा, और जो अपने मुख्य द्वार की देहरी होती है उस देहरी पर उस दूबा को छिवा दें और लाकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप यह मानिए कि आपने खुद लक्ष्मी जी को अपने तिजोरी में स्थापित कर दिया है। आपके घर फिर धन्य धान की कभी कमी नहीं होगी, आपके हमेशा उन्नति पे उन्नति होती चली जाएगी। देखने सुनने करने में बहुत सहज सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है, कुछ ज़्यादा लाना नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है, और लेकिन इस उपाय का फल बहुत ही उत्तम है। गुरु जी बताते ही, प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में ऐसे ही उपाय बताते हैं जो कभी ज़्यादा, जिसमें खर्च नहीं होता और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना होता है, लेकिन उसका परिणाम शत प्रतिशत होता है। जो भी करता है वह इस बात को मान के चलता है कि अब हमारा ये कार्य तो रुकने वाला है ही नहीं और रुकता भी नहीं है। इसलिए मेरा भी आजमाया हुआ है, मैंने भी ये किया है, उसके बाद आप मानेंगे कि मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं रही, और आप भी इस उपाय को अवश्य करें। यह शिव महापुराण में से निकाले हुए वो मोती हैं, उस सागर में से निकाले हुए वो मोती हैं कि जिसने इन्हें समेट के रख लिया समझ लो उसके तो वारे न्यारे हो गए। इसलिए आप किसी व्यक्ति पे, व्यक्ति विशेष पे विश्वास मत करिए, सिर्फ शिव महापुराण पे विश्वास करके यह उपाय अवश्य करिए और करके देखिए। आपको अवश्य, जो आपके पास यदि कुछ कमी है, धन की कमी है, लक्ष्मी जी की कमी है, तो वह आप अवश्य दूर दूर हो जाएगी। यह उपाय करते समय बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप मन में पूरी तरीके से विश्वास अवश्य रखें भोलेनाथ पर, श्री गणेश पर। अवश्य विश्वास करके ये कार्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप पर, आपके परिवार पर, पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।